नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 24 न्यूज भोपाल में। मैं सुषमा आपके साथ आज रायसेन जिले के मंडीदीप में शीतल सिटी फेज 1 में भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी सदस्य गुलाब सिंह मारन के नेतृत्व में आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शोक हेतु आज शाम 6 बजे शीतल सिटी में शोक सभा रखी गई। इस सभा में पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल व साथ ही साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजा पूर्णिमा जैन मौजूद रही व साथ ही साथ भाजपा के समस्त पदाधिकारी इस शोक सभा में शामिल हुए व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित की। आज हमारे परम श्रद्धेय हम सबके मार्गदर्शक भारत की राजनीति के प्रेरणा स्रोत और भारतीय जनता पार्टी के बटर हमारे बीच नहीं रहे। आज हमारे नगर में जगह जगह उनकी श्रद्धांजलि सभा में लगी थी और साथ ही पूरे देश में और बल्कि पूरे विश्व में आज उनकी अटल बिहारी वाजपेयी एक श्रद्धा के केंद्र के साथ साथ एक विचार थे, एक कवि थे, एक ऐसे वक्ता थे जो अपनी वाणी से अपने साथियों को तो साथ रखते थे, साथ ही अपने विरोधियों को भी साथ में रखते थे। उनकी कई सारी ऐसी बातें हैं कि जिन पल में उनको ऐसा लगता था हर पल उनने जिया है, जैसे उनकी कविताएं रहती थी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, लाल काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ऐसे विचारवान, ऐसे ऊर्जावान, ऐसे कीर्तिवान, ऐसे संयमवान, ऐसे हमारे भारत के गौरव, हमारे भारत के कभी ना अस्त होने वाले सूर्य, उनको मैं बारंबार सत नमन करती हूँ। उनको हमारे पूरे बहनों की ओर से, भाइयों की ओर से, भारत की ओर से और हमारे राष्ट्र की ओर से उनको बारंबार श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज पूरा देश हम सबके श्रद्धे अटल जी के निधन के कारण शोक में डूबा है। आज हमारे बीच अटल जी नहीं रहे, लेकिन वो भली भौतिक रूप से आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जिस रूप में भी यहाँ भी होंगे, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेरणादायी जीवन हमेशा हम सब देशवासियों के लिए रहेगा। अटल जी ने जिस तरीके का जीवन जिया है वो अपने आप में हम सबके लिए अनुकरणीय है। उन्होंने चाहे वो पक्ष में रहे हों और चाहे विपक्ष में रहे हों, जब भी देश हित का मामला आता था अटल जी खुलकर मुखर हो जाते थे। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी उन्होंने तत्कालीन नरसिम्हा सरकार के लिए जिनेवा में जो सहयोग किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का मान बढ़ाया, वो हमारे लिए एक देशभक्ति की उनकी बहुत बड़ी मिसाल थी। चाहे परमाणु पोखरण का मामला हो और चाहे कारगिल का मामला, जितने कोमल थे देशभक्ति के लिए उतने कठोर भी थे। अगर देश हित में उनको कठोर लेना पड़े इसमें पीछे नहीं हटते। देश की सर्वांगीण विकास के लिए अटल जी ने अपना तन मन नछावर किया। आज मैं अपनी ओर से शब्दों के माध्यम से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। किसी मैंने शाम को सुना कि माननीय अटल जी का ध्यान हो गया है, तो मेरे मन में ये आया कि अब क्यों ना अपन अटल जी के उसके ऊपर अपन एक कार्यक्रम रखें। तो मैंने हमारे भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया, वो सभी मेरे कार्यक्रम में आए, उसको धन्यवाद और इसके लिए सभी सभी का आभारी हूँ। और इस वजह से कामना करता हूँ कि माननीय अटल जी द्वारा जो मार्गदर्शन भी वो चलना चाहिए, अटल जी जैसा संदेश था हमारे कार्यकर्ता उसको उतारे, यही मेरी जिंदगी। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आपके जो इतने वरिष्ठ नेता की जो आपकी भारतीय जनता पार्टी में क्षति पहुंची है, इनकी क्षति पूर्ति कोई करता है? नहीं, अटल जी से तो कोई नहीं बनेगा, लेकिन जो अटल जी जो कार्य छोड़े हैं उस पर अगर चलेंगे तो वो उनकी जयंती पक्की कराएंगे।